लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब जनता टीवी की खास पेशकश हमारा विधायक कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, जो कि जनता टीवी के तीखे सवालों और जनता के मुद्दों पर देंगे जवाब और साथ ही देखेंगे कि कैसे तल्ख सवालों पर कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर देंगे जवाब। तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का दौर। एक घटना घटी है शिमला में, शर्मनाक थी। मैं ऐसी घटनाओं को मैं नहीं सपोर्ट करता। अगर मान लो कार्यकर्ता आपस में लड़ जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में कोई खुशियां मनाने का मौका नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी वाले लोगों से, मैं खासकर नड्डा जी से भी पूछना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी के, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये कोई कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। ज्वाला जी में क्या हुआ था जब तुम्हारे इलेक्शन थे? ठाकुर रूप सिंह जी जो थे वो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, तो वहाँ पे छुरे चले थे, वहाँ पे ठाकुर रूप सिंह के मुंह के ऊपर थूका गया था। अब मेरे को बताओ, जो आदमी मुंह के ऊपर थूकने वाले लोग हैं, जो छुरियाँ चाकू डंडे चलाने वाले लोग हैं, जो आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं डंडा चलाने के लिए, आज अगर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में कोई आपस में विवाद हो गया तो उसको राजनीति की दृष्टि से न देखें। कांग्रेस पार्टी एक है, चुनाव के लिए तैयार है। कि जब विधानसभा के चुनाव आए हिमाचल प्रदेश के, तो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के आया और बिलासपुर के जो हमारा कहलूर स्टेडियम है वहाँ पे एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की रैली का आयोजन हुआ। और हुआ यह कि स्टेडियम का जो इंडोर स्टेडियम है उसकी दीवार के ऊपर जो है वो हमारे एम्स का फाउंडेशन स्टोन और भी रखे थे, लेकिन एम्स क्योंकि बिलासपुर का था, घोषणा होगी 4 सालों के अंदर जो है एम्स काम करना जो है वो उसका काम पूरा हो जाएगा, इतने बेड का हॉस्पिटल बनेगा, इतनी स्पेशलिटी होंगी और यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से जो है उस इमरजेंसी सर्विसेज भी चलेगी। लेकिन क्या हुआ, साल खत्म हो गया, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। 10 किलोमीटर दूर जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा और एक बड़ी रैली करी कि विधानसभा के चुनाव आ रहे थे, 15-16 दिन पहले डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट से प्रधानमंत्री जी सरकारी खर्चे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रैली करके गए। अभी आज नड्डा जी बिलासपुर में आए हुए हैं, अब बोलते जी मैंने जो है ना भूमि पूजन करना। भूमि पूजन कहाँ पे करना? जहाँ पे अब एम्स बनेगा। नड्डा जी ने एक पैसा भी नहीं दिया उसके लिए, घोषणाएं ज्यादा करी। पिछले दिनों में कहा कि 19 करोड़ रुपए हमने बाउंड्री वॉल के लिए दे दिया। भाई नड्डा जी, पहली चीज ये है, और मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उस जगह पे काम नहीं कर सकते जब तक आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आपको परमिशन नहीं आती। जब तक आपकी जितनी भी फॉरेस्ट प्रोड वहां पे है उसका पैसा सरकारी खजाने में जब तक जमा नहीं हो जाता, तब तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लीयरेंस वहां पे नहीं होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।